तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ्लाई ऐश। यानी कि फ्लाई ऐश के कितने टाइप्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, फ्लाई ऐश का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, और फ्लाई ऐश के अंदर क्या क्या केमिकल कंपोजिशन मौजूद है उसको डिटेल से समझने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि अगर आप पावर प्लांट में काम कर रहे हो तो फ्लाई ऐश के बारे में जनरली इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग फ्लाई ऐश के बारे में डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो फ्लाई ऐश है ये कैसे जनरेट होता है, ये क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड केमिकल कंपोजिशन इस फ्लाई ऐश का क्या क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें फ्लाई ऐश का, तो फ्लाई ऐश में जो ऐश वर्ड है इसका हिंदी में मतलब होता है राख, यानी कि वेस्ट मटेरियल। राख मतलब वेस्ट मटेरियल होता है। तो ये जो फ्लाई ऐश है इसका जनरेशन कैसे होता है, तो ऐसे हम लोग समझ लिए कि ये जो फ्लाई ऐश है यह एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि फ्यूल का, सॉलिड फ्यूल का कंबशन कराने के बाद प्रोड्यूस होता है। अगर हम लोग कोल की बात करें तो कोल में हमारा दो टाइप का एलिमेंट मौजूद होता है, एक होता है कंबसिबल एलिमेंट, दूसरा होता है नॉन कंबसिबल एलिमेंट। कंबसिबल एलिमेंट ऐसा एलिमेंट जो कि कंबस्शन उसका होता है, और नॉन कंबसिबल एलिमेंट जिसका कंबस्शन नहीं होता है। जैसे कि हमारा कोल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर ये सब मौजूद होता है, लेकिन कोल के अंदर हमारा ऐश भी मौजूद होता है। तो ऐश जो है वो क्या होता है, नॉन कंबसिबल एलिमेंट होता है जिसका कंबस्शन नहीं होता है। तो कोल का जब हम लोग कंबस्शन कराते हैं तो ऐश जो होता है वो रेसिड्यू बच जाता है, यानी कि उसका कंबस्शन नहीं होता है। तो ये जो ऐश है वो दो टाइप का होता है, एक इसका जो पार्टिकल साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो पार्टिकल साइज बहुत फाइन हो जाए, यानी कि पाउडर फॉर्म में हो जाए, तो वो फ्लू गैस के साथ क्या हो जाता है, कैरी ओवर हो जाता है, उड़ जाता है, तो फ्लाई करता है। मतलब ऐसा ऐश जिसका डेंसिटी कम होता है और वो उड़ने लगता है, मतलब कि हवा के साथ बाहर निकलने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाई ऐश। और दूसरा जो होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो बेड के अंदर ही ट्रैप हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉटम ऐश। ठीक है, तो जनरली हमारा अगर कोल का कंबशन कराएंगे तो दो टाइप का ऐश जनरेट होता है, बॉटम ऐश और फ्लाई ऐश। तो आज हम लोग इसी फ्लाई ऐश के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो फ्लाई ऐश है केवल कोल को जलाने से ही प्रोड्यूस नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें बायोमास, जैसे कि हमारा राइस हस्क वगैरह हो गया या उड वगैरह हो गया, उसको भी जलाएंगे तो उससे भी हमारा ऐश जनरेट होता है, क्योंकि उसमें भी हमारा नॉन कंबसिबल एलिमेंट मौजूद होते हैं। या अगर हम लोग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करें तो उसमें भी जलाते हैं तो उसका भी फ्लाई ऐश जनरेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो फ्लाई ऐश है एक तरह से सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है जो कि कोल का कंबशन कराने से या बायोमास का कंबशन कराने से या म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कंबशन कराने से प्रोड्यूस होता है। अगर हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो फ्लाई ऐश को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फ्लाई ऐश जो है दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है, एक होता है क्लास एफ और दूसरा होता है क्लास सी। तो देखिए, ये जो क्लास एफ या क्लास सी टाइप का जो फ्लाई ऐश है ये कोल का कंबशन कराने के बाद ही प्रोड्यूस होता है। तो जो हमारा क्लास एफ टाइप का जो फ्लाई ऐश है वो जनरली एंथ्रासाइट या बिटुमिनस कोल को जलाने के बाद जो फ्लाई ऐश जनरेट होता है वो किस टाइप का रहता है, तो क्लास एफ टाइप का होता है। वही अगर हम लोग क्लास सी की बात करें तो ये जनरली हमारा सब बिटुमिनस और लिग्नाइट कोल जलाने के बाद क्या होता है, क्लास सी टाइप का जो फ्लाई ऐश है वो जनरेट होता है। अगर हम लोग कोल का फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, पीट के बाद लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, यानी कि हमारा
ये जो एंथ्रासाइट और बिटुमिनस है, अगर जीसीबी की बात करें तो इसका जीसीबी ज्यादा होता है, इसका जीसीबी की अगर बात करें तो इसका जीसीबी क्या होता है, कम होता है। ये आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट या सेकंड जनरेशन होता है कोल का, और ये सबसे एंड में हमें कोल मौजूद मतलब सबसे एंड में ये जो कोल है वो मिलता है। तो एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोल की बात करें तो बहुत ही हाई ग्रेड का कोल माना जाता है और ये लो ग्रेड का कोल माना जाता है। तो इस कोल को जब हम लोग बॉयलर के अंदर जलाते हैं तो जो हमारा फ्लाई एस जनरेट होता है वो किस टाइप का होता है, क्लास एफ टाइप का होता है। तो अभी हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और इन दोनों का एप्लीकेशन भी देखेंगे कि कहाँ पे दोनों टाइप का जो फ्लाई एस है इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्लास एफ टाइप का जो फ्लाई एस है इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो इसका लो कैल्शियम कंटेंट होता है, यानी कि इसमें लेस देन 10% कैल्शियम कंटेंट होता है। वही अगर इसमें क्लास सी भी देखें तो इसमें जो होता है वो मोर देन 10% कैल्शियम कंटेंट होता है। अगर इसमें कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होता है तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है, सेल्फ सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ जाता है। और इसमें हमारा कैल्शियम लो है तो इसमें क्या हो जाता है, हाई पोजोलोनिक प्रॉपर्टीज होता है जो कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जहां पे भी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पे क्लास एफ टाइप का जो फ्लाई एस है वो जनरली यूज होता है। वही अगर हम लोग इसका यूज की बात करें तो इसका रोड कंस्ट्रक्शन में जनरली यूज होता है या सॉयल स्टेबलाइजेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग इसका करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जैसे कि इसमें क्या है, लो कैल्शियम कंटेंट है, वैसे ही इसके अंदर लो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 इसके अंदर रहता है, यानी कि लो आयरन कंटेंट मौजूद होते हैं आयरन ऑक्साइड। वही अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें क्या होता है, हायर आयरन कंटेंट होता है, यानी कि हमारा जो क्लास एफ से इसमें ज़्यादा आयरन कंटेंट मौजूद होते हैं। वही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सिलिका और एलुमिना का कंटेंट तो इसमें क्या होता है, हाई रहता है, हाई सिलिका SiO2 एंड Al2 यानी एलुमिना जो होता है इसमें हाई होता है, जबकि इसमें क्या होता है, लो सिलिका एंड एलुमिना कंटेंट रहता है। अगर हम लोग LOI की बात करें यानी कि लॉस ऑफ इग्निशन की बात करें तो इसमें जो LOI होता है, लॉस ऑफ इग्निशन, जो कि लेस देन 5% रहता है। वही अगर हम लोग यहाँ पे LOI की बात करें तो इसमें कितना रहता है, 5 से लेकर 15% तक LOI जनरली देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम लोग फ्लाई एस का LOI चेक करें तो हमारा अगर 5 से 15% आ रहा है तो जनरली हमारा क्लास सी टाइप का जो फ्लाई एस है उसके अंतर्गत आता है, और लेस देन 5% हमारा क्लास एफ टाइप में आता है। ऐसे ये सब क्या हुआ, फ्लाई एस का कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, और हमारा क्लासिफिकेशन की बात की तो क्लास एफ और क्लास सी टाइप का जनरली हमारा फ्लाई एस होता है। और ये जो फ्लाई एस है इसके जो पार्टिकल साइज है उसके अकॉर्डिंग भी इसको क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि हमारा जो फ्लाई एस है वो जनरली पहला हमारा कोर साइज का होता है, कोर्स फ्लाई एस इसको मैं लिख देता हूँ, कोर्स फ्लाई एस। दूसरा जो होता है वो हमारा मीडियम फ्लाई एस होता है। तीसरा जो है वो हमारा फाइन फ्लाई एस होता है, और चौथा जो होता है वो अल्ट्रा फाइन बोलते हैं, अल्ट्रा फाइन फ्लाई एस। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो नैनो स्ट्रक्चर्ड होता है, नैनो स्ट्रक्चर्ड। अगर हम लोग इसका पार्टिकल साइज की बात करें पार्टिकुलरली, तो हमारा जो कोर साइज का जो फ्लाई एस है इसका साइज जो है वो मोर देन 100 माइक्रोमीटर होता है। इसको अगर हमारा फ्लाई एस का जो साइज है वो 100 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, या 100 माइक्रोमीटर का होगा तो उसको हम लोग कोर साइज का फ्लाई एस बोलते हैं। मीडियम में हमारा जनरली 45 से लेकर के
100 माइक्रोमीटर के बीच में रहता है। वही अगर फाइन की बात करें तो ये लेस दैन 45 माइक्रोमीटर होता है। वही अगर हम लोग अल्ट्रा फाइन की बात करें तो इसका लेस दैन 10 माइक्रोमीटर होता है। वही हम लोग नैनो स्ट्रक्चर्ड की बात करें तो इसका जो साइज होता है वो लेस दैन 100 नैनोमीटर पार्टिकल साइज होता है। तो इस तरह से फ्लाई एस का जो पार्टिकल साइज है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई करते हैं। जनरली हम लोग जो फ्लाई एस है वो क्लास एफ और क्लास सी में क्लासीफाई किया गया है। तो इस तरह से हमारा ये क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो अब हम लोग केमिकल कंपोजिशन को समझेंगे। तो देखिए हमारा फ्लाई एस के अंदर कुछ कंस्टिट्यूएंट भी मौजूद होते हैं, जैसा कि हम लोग इसके बारे में एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड किया है, कंस्टिट्यूएंट इन फ्लाई एस के बारे में डिस्कस किए हैं। उसमें हम लोग जनरली फ्लाई एस के अंदर क्या चेक करते हैं कि हमारा CO2 कितना है, CO कितना है, SOX कितना है या NOX कितना है, या हमारा जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है यानी कि हमारा जो फाइन का जो साइज है वो क्या है। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो गया, और हमारा LOI चेक करते हैं, कुछ मर्क्यूरी भी मौजूद रहते हैं, कुछ अमाउंट में H2O भी मौजूद होता है। तो इस तरह से हमारा ये कंस्टिट्यूएंट हो गया, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग ये जो केमिकल कंपोजिशन है फ्लाई एस का उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम लोग जो केमिकल कंपोजिशन है इस फ्लाई एस का उसको डिस्कस करेंगे। तो जनरली हमारा जो केमिकल कंपोजिशन है वो ऑक्साइड फॉर्म में रहता है। तो ये जो ऑक्साइड है ये भी दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। इसको एक बोलते हैं मेजर ऑक्साइड, मेजर ऑक्साइड, और दूसरे को बोलते हैं माइनर। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, माइनर ऑक्साइड यानी कि इसमें कम अमाउंट में रहेगा, मेजर ऑक्साइड में यानी कि इस टाइप का जो भी केमिकल कंपोजिशन मौजूद रहेंगे उसका क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे मेजर ऑक्साइड में जनरली क्या क्या होता है और माइनर में क्या क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो है सिलिका, सिलिका यानी SiO2, मैं लिख देता हूँ SiO2। इसका अगर क्वांटिटी की बात करें सिलिका का, वो जनरली 40 से लेकर के 60% के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। मैं एग्जैक्ट इसका केमिकल कंपोजिशन नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास एक कुछ निकाला हुआ है केमिकल कंपोजिशन फ्लाई एस का, उसको भी मैं लास्ट में फ़ोटो उसको डाल दूंगा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि जनरली कितना कितना के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला होता है हमारा मेजर ऑक्साइड में सिलिका, जो कि 40 से 60% आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो एलुमिना, Al2O3। एलुमिना की अगर बात करें तो इसका जो क्वांटिटी होता है वो 20 से लेकर के 40% तक आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग इसका रेशो भी निकाल लेते हैं। हमारा अगर एलुमिना सिलिका होता है तो सिलिका SiO2 एलुमिना रेशो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप 40 डिवाइड ये करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, है ना। अगर इसका देखेंगे तो 2:1 सिलिका एलुमिना का रेशो हम लोग फाइंड आउट करते हैं एलुमिना सिलिका फाइंड आउट देखने के बाद। उसके बाद हम लोग अगर तीसरा बात करें तो इसमें आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी की बात करें तो ये 5 से लेकर के आपको 20% तक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का भी क्वांटिटी जनरली हमारा 5% से लेकर के 20% तक आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमारा आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो क्वांटिटी होता है वो 1% से लेकर के 5% तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेजर, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में इसका क्वांटिटी मौजूद होता है। वही अगर माइनर की बात करें तो माइनर में हमारा इधर आता है जैसे कि हमारा सोडियम यानी कि Na2O, सोडियम ऑक्साइड हो गया। दूसरा हमारा पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। हमारा तीसरा टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। हमारा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड हो गया, P2O5 जिसको हम लोग बोलते हैं, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारा मैग्नीज ऑक्साइड होता है। यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड। अगर क्वांटिटी की बात करें तो जनरली हमारा जो सोडियम ऑक्साइड है ये कितना होता है, तो 0.5 से लेकर के 2% तक रहता है। वही पोटेशियम या टाइटेनियम की बात करें तो ये भी जनरली इतना ही परसेंट देखने को मिलता है। फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की अगर बात करें तो ये 0.1 से लेकर के
1% तक आपको देखने को मिल सकता है। वही मैंगनीज ऑक्साइड भी हमारा जनरली यही इसका केमिकल कंपोजिशन मिलता है। तो ये क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में है इसलिए ये माइनर ऑक्साइड इसको बोलते हैं, और इधर क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए इसको मेजर ऑक्साइड बोलते हैं। और कुछ ट्रेसेस अमाउंट में हमारा एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, जैसे मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, क्रोमियम हो गया, इस तरह से हमारा कुछ ट्रेसेस अमाउंट में हमारा एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ फ्लाइस के क्लासिफिकेशन, करेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन एंड केमिकल कंपोजिशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।